नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फिनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक एफएल इंडिया और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि एफएल इंडिया का ट्रेंड देखें तो पिछले 1.5-2 महीनों में लगातार ये स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है और इसमें फिलहाल एक छोटा सा स्पाइक बनता हुआ दिख रहा है। क्या आने वाले टाइम में इसका शेयर प्राइस पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता रहेगा? इसने जो पास्ट में अपने लाइफ टाइम हाई बनाया है, क्या ये शेयर एक बार फिर से अपने पुराने रिकॉर्ड हाई को तोड़ के आगे बढ़ेगा? फ्यूचर में इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकता है और रिसेंट में जो भी डेवलपमेंट्स हुआ है इस कंपनी और शेयर में, वो डिटेल देखेंगे। जबकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का बात किया जाए तो लगातार इसके शेयर प्राइस में गिरावट का दौर जारी है पिछले एक हफ्ता से। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं इसके शेयर प्राइस में क्यों गिरावट हो रहा है, क्या पहले से जो इन्वेस्टेड है इस शेयर में बने रहना चाहिए और नए इन्वेस्टर्स को इस शेयर में क्या करना चाहिए, इस शेयर का टारगेट प्राइस क्या हो सकता है और टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाय किया जा सकता है, ये दोनों शेयर का डिटेल हम जाने इस वीडियो में। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। सबसे पहले एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल एनालिसिस वीडियो बना चुका हूं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम इसका नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। करंट टाइम में देखा जाए तो इसका मार्केट कैप 13,717 करोड़ है। ये स्मॉल कैप से कंपनी बिलोंग करती है। आपको इसका स्टॉक भी थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा क्योंकि ये 150 के आसपास है। मार्केट प्राइस इस कंपनी का 51 से 47 रुपया है। हालांकि जब आप ये वीडियो देखेंगे इसके शेयर प्राइस में चेंजेस देखने को मिलेगा। लाइफ टाइम हाई इसने 6287 रुपया का बनाया था, जबकि 1412 रुपया का इसने लो बनाया है। एफएल इंडिया लिमिटेड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इसका 42.7% आपको देखने को मिल रहा है और किसी भी कंपनी के लिए ये बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से आती हो। अगर आपको किसी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से 30% के रेंज में मिलता है उसको अच्छा माना जाता है, और जैसे ही ये 30% को क्रॉस करता है उसको बेस्ट माना जाता है। और यहाँ पर एफएल इंडिया लिमिटेड का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगातार पिछले कुछ सालों से 40% के ऊपर बना हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का शानदार नजर आ रहा है और ये 43.5% है। हालांकि जनरल वे में माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25 से 30% के रेंज में बना हुआ है तो वो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये कंपनी इस दोनों पैरामीटर पे खरा उतरती है, इसलिए इसके फंडामेंटल को लेकर तो कोई डाउट नहीं है। इसके रेवेन्यू हो, इसका प्रॉफिट हो, वहां पर इस कंपनी का कोई भी वीकनेस देखने को नहीं मिल रहा है। एकमात्र चीज जो अभी तक इस कंपनी के अगेंस्ट में जा रही है इसका स्टॉक पीई, क्योंकि ये 150 दिख रहा है। मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका शॉर्ट एनालिसिस भी जरूर करें, क्योंकि उससे पता चलता है कंपनी फिलहाल किस स्टेज में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएल इंडिया लिमिटेड के फेवर में जो चीजें जा रही है शॉर्ट एनालिसिस में, स्ट्रेंथ 7, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 9 स्कोर हो रहा है, और जो चीजें इसके अगेंस्ट में जा रही है वीकनेस 2 और थ्रेट 1, टोटल 3 स्कोर हो रहा है। यानी शॉर्ट एनालिसिस में ये कंपनी अभी भी खरा उतरती है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर को कंसीडर किया जा सकता है। एफएल इंडिया लिमिटेड प्राइस एंड वॉल्यूम में भी आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी, क्योंकि प्राइस परफॉर्मेंस में जरूर पिछले 1 महीना हो या 3 महीना हो कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज है, क्योंकि 1 महीना में ये शेयर करीब 7% के आसपास गिर चुका है, जबकि 3 महीना में इसके शेयर प्राइस में मात्र 1% के आसपास ग्रोथ हुआ है। लेकिन 1 साल का अगर आप डेटा देखें तो ये शेयर आपको जबरदस्त रिटर्न देता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर इस शेयर ने करीब 222.52% का रिटर्न दिखाया है। वॉल्यूम एनालिसिस इस कंपनी का इसके प्राइस परफॉर्मेंस से भी अच्छा नजर आएगा पिछले 1 महीनों से, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पिछले 1 महीना में एनएससी और बीएससी मिलाकर ऑन एवरेज 70,000 के आसपास शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 53% के ऊपर बना हुआ है। एक दिन पहले यहाँ पर एनएससी और बीएससी मिलाकर 58,000 शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 58% के आसपास बना हुआ है। टुडे डेटा के हिसाब से भी आपको हाई डिलीवरी का परसेंटेज ही देखने को मिलेगा। क्वांटिटी एक बार फिर से यहाँ पर 58,000 से ट्रेड होता है, जबकि डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर भी 50% या इसके ऊपर बना हुआ है। यानी इसके प्राइस परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर इग्नोर करें और वॉल्यूम एनालिसिस को देखें, लोगों का ट्रस्ट अभी भी इस कंपनी और शेयर में बना हुआ है और इसकी वजह से वो लोग लगातार इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म हो या मीडियम टर्म हो उसके लिए,
क्योंकि उनको लगता है ये शेयर आने वाले टाइम में भी अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, पिछले क्वार्टर में इसमें कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिला है, कुछ डीआईज ने इस कंपनी से क्विट किया है, जबकि कुछ एफआईज ने इस कंपनी में अपने स्टेक को या तो बढ़ाया है या कुछ नए एफआईज इस कंपनी के शेयर में ऐड हुए हैं। इंस्टीट्यूशनल होल्डर एनालिसिस में डीआईज की होल्डिंग आपको यहां पर कम होती हुई दिखेगी मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से। जरूर नंबर वाइज देखा जाए तो यहां पर दो म्यूचुअल फंड कंपनीज या डीआईज यहां पर बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वार्टर मार्च 2021 में 12 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इनका स्टेक जो इस कंपनी में पहले था वहां पर आपको 1.37% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा और ये घट के 5.83% तक हुआ है। खुशी की बात यहाँ पर यह है एफआईज और एफपीआईज का दोनों का इस कंपनी में स्टेक बढ़ रहा है, इनका नंबर भी बढ़ रहा है। नंबर वाइज ये 45 बढ़ते हैं, परसेंटेज वाइज भी यहाँ पर आपको स्टेक बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 2.43% से बढ़ के 17.28% हो गया है। ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल होल्डर एनालिसिस को देखा जाए भले ही डीआईज का स्टेक इस कंपनी में कम हो रहा है लेकिन एफआईज और एफपीआईज का इस कंपनी में लगातार स्टेक बढ़ रहा है जो कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है। एफएल इंडिया का टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से भी आपको स्ट्रॉन्ग बाई आता हुआ दिखेगा क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स टेक्निकल डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पर आपको बाई के लिए 7, न्यूट्रल के लिए केवल एक स्कोर नजर आ रहा है जिसको समराइज किया जाए तो स्ट्रॉन्ग बाई बन रहा है। बाकी डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से भी यहाँ पर मैक्सिमम जगह आपको बाई का ही कॉल आता हुआ दिखेगा। जरूर 200 MA में यहाँ पर आपको सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज हो सेल का कॉल आता हुआ दिखेगा क्योंकि लगातार पिछले 1-1.5 महीनों में इसके शेयर प्राइस में कंसोलिडेशन का फेज जारी था या थोड़ा बहुत उसमें डिक्लाइन देखने को मिला था जिसकी वजह से यहाँ पर आपको सेल आता हुआ दिख रहा है। बाकी 5 MA से लेकर 100 MA तक आपको केवल बाई का ही कॉल दिखेगा और इसको भी समराइज किया जाए तो आपको बाई का कॉल निकल कर आएगा क्योंकि बाई के फेवर में 10 और सेल के फेवर में केवल 2 स्कोर हो रहा है। कुछ लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे क्या एफएल इंडिया शेयर में जो पहले से उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसको क्विट कर लेना चाहिए और कुछ लोग ऐसा भी सवाल पूछ रहे हैं क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाय किया जा सकता है। जहां तक मुझे उम्मीद है आप दोनों का आंसर मिल गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा इसका टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, मूविंग एवरेज हो या इस कंपनी का आरओसी परसेंटेज हो, रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, इस कंपनी का परफॉर्मेंस हर जगह अभी अच्छा बना हुआ है। एफआईज एफपीआईज का भी इंटरेस्ट इस कंपनी में लगातार रहा है इसलिए इस कंपनी में फिलहाल कोई ऐसा निगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिख रहा है जिसके बेसिस पर कहा जाए कि आपको इस शेयर से क्विट कर लेना चाहिए या जो नए इन्वेस्टर हैं उनको इस शेयर में पैसा अपना नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगा चूंकि ये कंपनी स्मॉल कैप से आती है इसलिए हर क्वार्टर रिजल्ट आप थोड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर करें अगर आपका बहुत ज्यादा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है या लगाना चाह रहे हैं क्योंकि स्मॉल कैप से आने वाली मैक्सिमम कंपनीज का कब क्वार्टर रिजल्ट खराब हो जाए वो कोई नहीं जानता। इसलिए मैं बताना चाहूंगा अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टेड है इसके क्वार्टर रिजल्ट को लगातार मॉनिटर करते रहें। इसके टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो आपको आने वाले 3 से 4 महीनों में 6500 रुपया के आसपास ये शेयर पहुंचता हुआ दिख सकता है जो करीब इसके करंट लेवल से 22 से 23% का मूवमेंट होगा। इसलिए एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा इस टारगेट प्राइस को आप चेस करते हुए इस शेयर में चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और पहले से अगर इन्वेस्टेड है तो बने रह सकते हैं। ये रहा एफएल इंडिया लिमिटेड का डिटेल। आगे बढ़ते हुए अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का डिटेल देख लेते हैं क्यों इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है और करंट लेवल पर किसी को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड पर भी मैंने एक स्पेशलाइज वीडियो बना रखा है जिसमें इस कंपनी और इस शेयर का कंप्लीट एनालिसिस कर रखा है इसलिए इसके डिटेल में भी मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। अगर आप वो पूरा डिटेल देखना चाहते हैं वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। ये कंपनी भी स्मॉल कैप से आती है, इस कंपनी का भी मार्केट कैप फिलहाल 10,786 करोड़ के आसपास दिखेगा। स्टॉक भी इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है क्योंकि ये 50.50 जरूर आपको दिखेगा लेकिन इंडस्ट्री पी और इसके पीई में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस कंपनी के भी बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट चल रहा है क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इसका भी 60.4% जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज आपको 46.7% नजर आएगा। जिस सेक्टर से ये कंपनी आती है वहां पर इस कंपनी का एक तरह से मोनोपोली है और करीब 96-98% का स्टेक इस कंपनी का बना हुआ है। हाल फिलहाल इस शेयर ने अपने हाई को टच किया था जो 414 रुपया का था और इसका लोएस्ट प्राइस 161 रुपया है जो करीब 1.5 शेयर 1 साल पहले का था। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शॉर्ट एनालिसिस में आपको एवरेज परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगी क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 8 और अपॉर्चुनिटी 2 टोटल 10 स्कोर हो रहा है जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 3 और थ्रेट 4 टोटल 7 स्कोर हो रहा है।
प्राइस एंड वॉल्यूम में इस कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस जरूर थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा अगर आप डेटा देखें एक महीना तक, क्योंकि यहां पर कंपनी के शेयर प्राइस में पिछले एक सप्ताह में 6.5% के आसपास गिरावट हुई है, जबकि एक महीना में यहां पर आपको 5% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी इसका 3 महीना का परफॉर्मेंस हो या 1 साल का परफॉर्मेंस हो, इस स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको करीब 21.5% का प्राइस ग्रोथ, जबकि 1 साल में करीब 117% के आसपास प्राइस ग्रोथ देखने को मिलेगा। वॉल्यूम एनालिसिस अभी भी इस कंपनी का जबरदस्त बना हुआ है, जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस कंपनी में शो करता है। पिछले एक महीना डेटा के हिसाब से ऑन एवरेज एनएससी और बीएससी मिलाकर 45 लाख से ट्रेड होता है, जबकि डिलीवरी का परसेंटेज यहां पर आपको 44% के आसपास दिखेगा। पिछले एक सप्ताह के डेटा के हिसाब से आपका ट्रेडिंग क्वांटिटी बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि ये 1 करोड़ के आसपास है। डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर भी अच्छा और ये 49% के आसपास है। 1 करोड़ जो यहाँ पर आपको शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ब्लॉक डील हुई थी जिसकी वजह से एक अचानक से इस कंपनी के शेयर में वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो डिटेल भी हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले और 2 डेटा जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। यस्टरडे के हिसाब से भी एनएससी और बीएससी मिलाकर मात्र 25 लाख ही शेयर ट्रेड होता है, डिलीवरी का परसेंटेज हाई होते हुए ये 57% को पार करता है, और टुडे के डेटा के हिसाब से भी आपको 20 लाख ही शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से हाई और ये करीब 54% के आसपास है। यानी वॉल्यूम एनालिसिस में अभी भी ये कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लोगों का ट्रस्ट इस कंपनी में बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग इस शेयर को बाय करके होल्ड कर रहे हैं। अगर आपको याद हो IEX लिमिटेड के शेयर में करीब 5% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी 20 मई 2021 को, उसका मेन वजह है डालमिया पावर लिमिटेड ने करीब 1.34 करोड़ शेयर मार्केट में सेल किया था, जिसका रेट 363.84 रुपया था। आप समझ सकते हैं किसी भी कंपनी का क्वांटिटी अगर इतने ज्यादा वॉल्यूम में अचानक से एक दिन मार्केट में आ जाता है, उसके शेयर प्राइस में डिक्लाइन ही होना है, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स कम होते हैं और वो रेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटी से आते हैं। लेकिन ये वॉल्यूम जो अचानक से मार्केट में डंप किया गया, जिसका इंपैक्ट इसके शेयर प्राइस में गिरावट के साथ देखने को मिला। हालांकि सेम डे कुछ पॉजिटिव भी निकल कर आया, क्योंकि कॉपथल मॉरिटस नाम की जो कंपनी है, इस शेयर को 362.68 रुपए में करीब 16,54,117 क्वांटिटी बाई करती है। बल्क डील में ही जो दूसरा डील होता हुआ दिखा, यहाँ पर सोसाइटी जनरली नाम की जो कंपनी है 361.66 रुपए के रेट पे करीब 22,14,870 शेयर बाई करती हुई दिखी। बताना चाहूंगा ये कोई बड़ा इशू नहीं है, डालमिया पावर लिमिटेड ने इस शेयर को सेल किया है, क्योंकि मैक्सिमम DIs और FIs का एक टारगेट होता है किसी भी कंपनी या शेयर में। जैसे ही उनका टारगेट अचीव होता है, उस शेयर में अपना प्रॉफिट बुक करके वो निकल जाते हैं। ये कंपनी फंडामेंटली अभी भी अच्छी बनी हुई है, बाकी कोई भी गलत न्यूज नहीं है जिसकी वजह से शेयर को यहाँ पर इग्नोर किया जाए। मुझे लगता है यहाँ पर एक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं, वहां पर कुछ एडिशन कर लें, या अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो डेली SIP के माध्यम से इस शेयर में जा सकते हैं। मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से भी इंस्टीट्यूशनल होल्डर एनालिसिस में आप देख सकते हैं DIs की होल्डिंग इस कंपनी में कम हुआ है, जो करीब 5% के आसपास घटता है। लेकिन खुशी की बात यहां पर भी आपको नजर आएगी, FIs और FPIs का यहां पर होल्डिंग बढ़ता है, उनका नंबर भी बढ़ता है, होल्डिंग उनका करीब 7.5% के आसपास बढ़ता है और ये 36.81% तक पहुंच गया है, जबकि नंबर में ये 38 बढ़ के 145 तक पहुंच जाते हैं। यानी यहाँ पर भी कोई इशू नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भले ही DIs ने अपना स्टेक इस कंपनी में कम किया है, लेकिन FIs और FPIs का इंटरेस्ट इस कंपनी में लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। फाइनली अब इस कंपनी का हम टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं और उसके हिसाब से भी समझ लेते हैं क्या करेंट लेवल पर इस शेयर को बाई किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स जो नॉर्मली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है, यहाँ पर इस शेयर का बियरिश मार्केट बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम जगह सेल का कॉल आता हुआ दिखेगा, और समराइज करके समझने की कोशिश किया जाए तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग सेल दिखेगा, जबकि डेली मूविंग एवरेज में भी आपको इस शेयर में खराबी परफॉर्मेंस दिखेगा। 5 MA से लेकर 50 MA तक ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर भी आपको सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज हो, सेल का ही इंडिकेशन आता हुआ दिखेगा। जबकि अगर आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर को लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं, 100 MA हो या 200 MA हो, अभी भी बाई का कॉल आता हुआ दिखेगा, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज दोनों के हिसाब से अभी भी आप इस शेयर में को बाई कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर इसके टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो शॉर्ट टर्म में ही इसका शेयर प्राइस आपको एक बार फिर से 414 रुपया को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। बाकी कोई भी फाइनल कॉल लेने से पहले आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस करें।
इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।